સેલવાસના અમલી વિસ્તારમાં આવેલ ગાયત્રી મંદિરમાં તસ્કરોએ 3 કે રૂપિયાની ચોરી કરી નાસી છૂટ્યાની ઘટના સીસીટીવી કેમેરામાં કેદ થઈ જવા પામી છે। સેલવાસના અમલી વિસ્તારમાં આવેલ ગાયત્રી મંદિરમાં રાત્રિ દરમિયાન તસ્કરોએ 3 કે દાનપેટીમાંથી રોકડ રકમની ચોરી કરી નાસી છૂટ્યા હતા। આ બનાવ અંગે સેલવાસ પોલીસે સીસીટીવી ફૂટેજના આધારે તસ્કરોની તપાસ હાથ ધરી છે। દીપક મહારાજ, કઈ બજે મંદિરમાં ચોરી થઈ? आज रात्रि को 21 तारीख रात्रि को मैं 9:15 बजे मंदिर बंद करके प्रतिदिन जाता हूँ। वैसे गया सुबह 5:30 बजे, जैसे ही मंदिर का पट मंगल होता है तो पट खोलने के लिए जैसे ही मैं आया तो शिवालय मैंने खोला, मंदिर खोला। जब यहाँ पर आगे आ रहा हूँ तो आप देख रहा हूँ वहाँ लोग टूटा हुआ है। मैंने तुरंत ट्रस्ट से फ़ोन किया, भाई ये कुछ अघटित घटना घटित है। जैसे ही देखा आसपास में तो ये दान पेटी कहाँ मिली थी? राम जी मंदिर के ठीक पीछे, तुरंत जिसे प्रदक्षिणा जिसे कहते हैं, वो प्रदक्षिणा में ही थी, वहीं का वहीं था। हाँ, जहाँ आगे रखते हैं हम और पीछे तुरंत प्रदक्षिणा में, राम जी की प्रदक्षिणा, तो मंदिर के अंदर ही प्रदक्षिणा में, वहाँ पर हमको दान पेटी प्राप्त होगी। किसी ऐसे तत्वों ने ये जो कार्य किया है बहुत निंदनीय कार्य है। भगवान जी के यहाँ आकर कुछ ना कुछ चढ़ावा चढ़ाते हैं, और ऐसे भी तत्व हैं भारतवर्ष में। पेटी में कितना पैसा था? पेटी में तो अभी ही खोला गया था तो उतना ज़्यादा होगा नहीं, 10-12 दिन का ही कुछ दक्षिणा होगा, चोरी होगा। तो न तो हम ये कह सकते हैं कि उसमें इतना ही था, न तो ये कह सकते हैं। पर लोग आते हैं उस प्रकार से, जो पता चलता है उसका 1000-2000 के अंदर या तो 1000 के अंदर रहा होगा, क्योंकि अभी तो वैसे ही मंदिर में अगर पेटी पहले नहीं तोड़े खोलते तो कितना पैसा होता? बहुत नुकसान होता। कितना होता है अंदाज? ये कोरोना काल है और बहुत सारा समय हो गया था तो इतना पता नहीं चल सकता कितना एग्जैक्ट कितना रकम होता, पर वो 25-30 हज़ार, 40 हज़ार, 50 हज़ार के ऊपर ही रहता रकम। तो ये जो है वो सब बातें हैं, बहुत निंदनीय ये कार्य हुआ, ये अच्छा नहीं हुआ।